उनकी बात तो आएगी ही बीच में, बिल्कुल तो बिल्कुल ये समझना चाहिए। अगली ये राहुल गांधी की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव चरम पर है और पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। बिहार एनडीए को लेकर जिस प्रकार से ये तो घोषणा काफी पहले ही हो गया है कि 17-17 सीटों पर बीजेपी और जदयू चुनाव लड़ेगी और 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे इस बात का भी आज घोषणा कर दिया गया है, लगभग ये भी स्पष्ट हो गया है। और इसके तहत जनता दल यूनाइटेड जो है, जदयू जो है, वो कटिहार से, पूर्णिया से, गोपालगंज से, सिवान से, भागलपुर से, बांका से, मुंगेर से, नालंदा से, काराकाट से, गया से, जहानाबाद से, सुपौल से, किशनगंज से, मधेपुरा से, वाल्मीकि नगर से और सीतामढ़ी और झंझारपुर से जनता दल यूनाइटेड चुनाव। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, शिवहर, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद से चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा अगर एलजेपी की बात करें तो वैशाली से, हाजीपुर से भी, जहां सुरक्षित सीट है हाजीपुर, समस्तीपुर भी सुरक्षित सीट है, यहां से भी लोजपा चुनाव लड़ेगी, खगड़िया से भी लोजपा चुनाव लड़ेगी, जमुई से लोजपा चुनाव लड़ेगी, वो भी सुरक्षित सीट है और वहाँ से पिछले बार चिराग पासवान जो है, जो रामविलास पासवान के सपुत्र, वे चुनाव लड़े थे और जीते थे, इस बार भी वे शायद वहां से वही चुनाव लड़ेंगे। और नवादा से ये 6 सीटें हैं जहां से एलजेपी चुनाव लड़ने वाली है। क्या कहेंगे जो ये समीकरण बना है, पिछले अगर 2 महीना पहले आप जाके देखें पास्ट में, तो बड़ा अफरा तफरी हो गया था। रामविलास पासवान ने भी धमकी देना शुरू कर दिया था, चिराग पासवान भी बोल रहे थे और उन लोगों को डर था, लेकिन जिस प्रकार से अब स्पष्ट हो गया है, क्या कहेंगे इसमें किस प्रकार से कूटनीति काम की हो? देखिए, चुनाव के पहले चूंकि ये होता है कि सारे अपना अपना दावा जो है, और ख़ास करके जब सरकार में उनकी भूमिका रही, सरकार में वो रहे, तो उनका तो अपना एक अधिकार भी होता ही था, और गठबंधन के पहले ये इस तरह के बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनका जो उनकी पार्टी का जो है एक प्रेशर जो है वो टिकर चल रहा पड़े है। और उस टिकर में जो बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है उन सबका लिस्ट भी जोड़ दें आप, तो टिकर में लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, तो, अब क्या कह रहे थे आप, जारी रखें। तो इसको लेके जो है पहले से थोड़ा वो जो दबाव बनाने का एक वो नीति होता है, दबाव बनाने के लिए, ताकि लोजपा को अगर पहले से पता भी था कि 6 सीटें हमें मिलेंगी तो ये संभव था कि 6 के बदले 4 हो जाती, बिल्कुल बिल्कुल 3 हो जाती, 2 हो जाती, तो वो दबाव इसमें काम आता है कि 6 सीटें मिली है। अगर आप देखें 6 सीटें जो, तो ये एक तरह से इसलिए मिल पाई है कि आप यहाँ देखें कुशवाहा ने एनडीए छोड़ के वो चले गए, तो इसके वजह से इनको जो है 6 सीटें मिली है। लेकिन पहले चूंकि वो भी रहते तो उनके लिए भी कम से कम, लेकिन जिस प्रकार से उस बीच में हंगामा हो रहा था और महागठबंधन लग रहा था, महागठबंधन तय हो गया है, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं है, जीतन राम मांझी वहाँ चले गए, कुशवाहा वहाँ चले गए, लेकिन अब अगर देखें तो स्पष्ट नीति अगर आप देखेंगे तो एनडीए में सब कुछ साफ साफ है, लेकिन महागठबंधन में बिहार में अभी तक उहापोह बना हुआ है। बिल्कुल, वो चूंकि देखिए अवसरवादी, जब तक अवसरवादी नेता, उनका गठबंधन नहीं हो पाएगा, तो अवसरवादी होना जो है गठबंधन में, इसको कभी भी ये समझना चाहिए कि आप गठबंधन का एक धर्म होता है। आप यहाँ देखें बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 17, इसके पहले उसने 22 सीटें जीती हुई थी, बिल्कुल उसमें 17 सीटें, यानी कि वो 5 सीटें जो है अपना ऐसे ही पहले ही जो है वो लॉस कर लॉस किया है। और तो गठबंधन में ये सब देखना होता है, बड़ी बात होती है कि आप अपने जीते हुए सीट को सहयोगी पार्टी को दे दें। बिल्कुल, आप जदयू को देखें, जदयू की 2 सीटें थी, केवल 2 सीटें थी, उसे 17 सीटें, तो गठबंधन का उसे भी फायदा हुआ। तो ये होता है गठबंधन में, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सारे मिलके सीटें जो उसको जीत में बदलें और कुल मिला के वो जब गठबंधन का ही सरकार बनना है तो उसमें वो फायदा होता है, वो एक तरह से जुड़ ही जाता है। बिल्कुल, और आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा है
कि अगर महागठबंधन में गठबंधन करना है, जीतना है, मोदी को टक्कर देना है, तो सहयोगी पार्टियों को सीटों के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, त्याग करने की सीख दी है उन्होंने, त्याग करना तो यहाँ ये देखिए कि सारे एक दूसरे को सीख देंगे त्याग करने, लेकिन खुद नहीं। त्याग का मतलब क्या होता है? आप खुद वैसा बोलो कि कांग्रेस जो कहेगी वो हम मानने के लिए तैयार है, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। आप चाहोगे कि कांग्रेस त्याग करे, कांग्रेस चाहेगी कि आप त्याग करोगे, तब तो गठबंधन संभव नहीं है, तो त्याग में तो। और यही कारण है कि उस पर तंज कसते हुए तमाम कांग्रेस के लीडर ने तंज कसा है और तेजस्वी यादव से, आरजेडी से कहा है कि वे 12 सीटों से कम नहीं लेंगे। 12 सीट कांग्रेस बिहार में लड़ना चाहती है 12 सीटों पर। तेजस्वी यादव आरजेडी जो है 8 सीटें देना चाह रहे हैं, तेजस्वी ने कहा है। और अन्य पता ही आपको, जीतन राम मांझी का हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और शायद एक कोई छोटा मोटा और भी पार्टी है जो नागमनी वगैरह हैं, तो इन लोगों से भी गठबंधन की बात चल रही होगी, या पप्पू यादव है उनसे गठबंधन की बात चल रही होगी। तो कई लोग हैं ऐसे में आरजेडी अड़ा हुआ है कि वो कांग्रेस को 12 सीटें नहीं देगी, 8 से ज़्यादा सीटें नहीं देगी। अब कांग्रेस अड़ी हुई है कि वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कम से कम 11 सीटें तो चाहिए ही। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा जो है, इन्हें अपने वोटों का जो आधार है उसका सही में पता नहीं है, चाहे आप राजद को ले लें चाहे कांग्रेस को ले लें, इन्हें अपने वोटों का असल में अभी पता ही नहीं है। चूंकि उस समय विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार साथ गए थे तो उसका फायदा इन्हें हुआ था, सीधे तौर पे वो वोट बैंक, तो इन्हें ये दिख रहा है कि हमारा वोट बैंक है।